हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मिर्ची की चटपटा अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इसका पानी अच्छे से सुखा लिया है और इसका डंठल भी अलग कर लिया है। आप भीगे हुए मिर्ची का अचार ना बनाए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मसालों में मैंने लिया है 3-4 चम्मच सरसों, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वादानुसार। अब हम मिर्ची को बीच से कट कर लेंगे ताकि अंदर तक मसाले अच्छे से चले जाएं। देखिए, मैंने सारी मिर्ची को कट कर लिया है। अब मैं सरसों के दाने को ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने सरसों के दाने को ग्राइंड कर लिया है। अब मैं मिर्ची में सारे मसाले को डाल दूँगी। और इसमें 3-4 चम्मच मैं तेल डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसे किसी भी सीजन में बना सकते हैं। इस अचार को धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। यह 4-5 घंटे में खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।